खबर है ना हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव। दोस्तों, वीरों की धरती, शहीदों का देश, बागी बल्लिया उत्तर प्रदेश से मैं योद्धा पीएस आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि इस वक्त मैं अपने बलिया जिला के ये नरही और कौन सा गांव नरही थाना में इच्छा चौबे का पूरा और इसके पहले यहीं पे हम लोग वो अजगर भी रेस्क्यू किया था ना, मिल्की। अच्छा, इसके बगल में गांव में फ्रेंड्स, वहां पे अजगर रेस्क्यू किया गया था, वहीं से हो सकता है नंबर भी आप लोग सेव रखे होंगे। और आज दोबारा इस गांव में आ चुके हैं इच्छा चौबे का पूरा और ये नरही थाना में पड़ता है फ्रेंड्स। घर में कोई सांप देखा जा रहा है, लोग परेशान थे, किसी और को भी बोले थे ना बुलाने, तो वो क्या कहे। अच्छा, तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं, 1.5 घंटे बाइक चलाना पड़ा और मौके पहुंच चुके हैं। देखते हैं कौन सा सांप है, फिर बताते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये अपना सबका रहन सहन है, कुटिया है सबकी, और यहाँ पे ये थोड़ा सा किचन की सामग्री भी है, बर्तन वगैरह रखा गया है, और इधर अनाज भी है, उधर देखिए पूजा घर भी है। और ये बेजुबान कहीं से अपना चूहे की आहार के लिए, अपने भोजन के लिए भटक के आ चुका है घर में। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि गेहुअन है, और मुझे भी जो ये दिख रहा है गेहुअन ही है, और इसकी लंबाई तो अच्छी खासी है फ्रेंड्स, बड़ा सा बेजुबान है ये, क्या बात है। चलिए पीछे, चलिए पीछे, चलिए बाहर लेके आ रहे हैं हम लोग, चलो बाहर लेके आ रहे हैं। अरे तो देखिए आप लोग बिल्कुल ये थोड़ा भी सोचिएगा नहीं कि धामिन है, ये गेहुअन है, ठीक है। इसी को आप लोग नाग, गेहुअन, फेटार, खरीज, पलटू के नाम से अलग अलग नाम से जानते हैं इसको, अलग अलग जगहों पर, ठीक है। यही नाग है और ये थोड़ा सा खाया पिया थोड़ा कम है, लंबाई तो अच्छी खासी है इसकी, 4 फीट के आसपास, 4 फीट से कम नहीं होगा। हाथ तो नहीं जानते लेकिन 4 फीट से कम नहीं होगा, 3 हाथ होता ही है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोग फन से पहचानते हैं कि हाँ गेहुअन है, तो फन से पहचान में आ जाता है गेहुअन है, और इसके रंग रूप से पहचानने की कोशिश करिए कि हाँ गेहुअन है या धामिन है, ठीक है। आप लोग मतलब आगे भी आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, पहचान क्या है इसका, पहचान देखिए ना सामने। अगर मान लीजिए इनका नाम अमन है तो जानेंगे ना अमन है, इनका नाम रमेश है, तो ऐसे ही आप ये समझ सकते हैं कि हाँ ये बेजुबान को देख के आप पहचानिए कि ये गेहुआ है, ठीक है। और देखिए दूसरी बात, इसके चेहरे से, इसके फन से, इसके शरीर से आप लोग पहचानने की कोशिश करिए, पहचानेंगे तो आप लोगों को खतरा कम होगा, डर कम होगा। दूसरी बात, यदि सांप काट लेता है तो आप लोग कम से कम ये समझ सकते हैं कि कौन सा सांप जहरीला और हमें क्या करना चाहिए। ये सांप बहुत जहरीला होता है, ये सांप यदि आप लोग कभी भी बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो कभी भी आप लोग झाड़ फूक में न जाइएगा, कहीं भी किसी सती में या कहीं बहकावे में न जाइएगा, अन्यथा मौत हो जाएगी, क्योंकि ये सांप बहुत जहरीला होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है और ये सांप काटता है तो आप लोग तुरंत अपने सदर हॉस्पिटल पहुंचिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहीं पे एंटीवेनम लगेगा तो आप लोग की जान की रक्षा होगी। दूसरी बात, जो एंटीवेनम होता है वो इसी सांप के जहर से बनता है,
इसमें वेनम होता है और एंटी वेनम बनाया जाता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि खुद भी आप सेफ रहिए, खुद भी बचिए और इन बेजवानों को भी बचाइए, क्योंकि इससे हमें बहुत फायदा है हमारे पर्यावरण को। ये हमारे घर में हम लोगों को काटने के लिए नहीं आता है, ये अपने आहार के लिए आता है, चूहे के लिए, ठीक है। और कभी भी इस भ्रम में भी ना रहेगा, जैसे जो माता जी लोग होंगे या फिर गांव में लोग कहते हैं कि ये बाबा हैं, बरम बाबा हैं और ये फलान ढिकाने, ये सब हादसों की बात है। अभी तो रास्ते में एक और आता जी, बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि लोग पहले से माइंड वॉश करते आए हैं ना, तो जब तक आप बताएंगे नहीं, उनको अवेयर नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे लोग। और ये बेजुबान ऐसा होता है कि जैसे इसको लगेगा कि खतरा कोई पहुंचाएगा, तुरंत काट देगा, हमें भी काट देगा। और कोई मैं जड़ी मंत्र नहीं किया हूं, आप लोगों के सामने आया हूं, नॉर्मली पकड़ा हूं। बाकी फ्रेंड्स यही महत्वपूर्ण जानकारी है कि सांप को मारिए नहीं आप लोग, कभी भी देखिए तो। और हमारा छोटा सा चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा जितना हो सकता है। एक डब्बा लेते आइए, और कुछ पूछना है इसके बारे में तो बताइए, बता दीजिए। डब्बा वाला डब्बा, अरे ये डब्बा ले दो, 5 किलो का डब्बा ले दो, 5 किलो ना छोटे, 2 लीटर वाला ले दो, इतना लंबा के नहीं, 1 किलो। हाँ हाँ, 1 किलो हार्लिस वाला। और कभी भी जंगल में छोड़ दीजिएगा जी, बिल्कुल। और दूसरी बात, हार्लिस के डिब्बे में नहीं होगा, ना रहेगा आप लोग ना, कि ये जैसे गांव में कहते हैं कि टच हो गया तो आप घबराने जाइए, सांप छूने से या टच होने से कुछ होता नहीं, बोलता है कि फूंक मार दिया ऐसा कुछ होता है, वो फूंक मारता है उसका काम है, जहर तो नहीं होता, नहीं नहीं, इधर इधर स्पिटिंग कोबरा नहीं है अपने तरफ, कोई धामिन से फूंक से जहर होला, इधर कोबरा पाया जाता है कि नहीं, धामिन भी चाचा ये सब झूठ बात है, ना ना फूंक देता है, लाइए धामिन, धामिन लाइए, उसको भी बता दे उसके बारे में, ओ, ठीक, कुछ नहीं होता है चाचा, ये सब माइंड वॉश किया गया है, लोग केवल फालतू पुरनिया कह गए, अरे पुरनिया जिंदा है बताइए, उमर गए पुरनिया कह गए, आपके बच्चे ये कहेंगे चाचा कह गए, चाचा मर गए रहेंगे, काट देगा, देखिए जरूर काट देगा, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ गुण दिया है इस धरती पे जीने के लिए, और प्रभु ने कुछ हमें भी दे दिया, छोटा सा जीव हमको भी थोड़ा सा दे दिया कुछ गुण। एक सुबह लेते हैं, ठीक है ना, इस पे और कुछ अंधविश्वास हो तो बताइए, ढक्कन से ये ना उसका ढक्कन ढक्कन कोई अंधविश्वास नहीं है ना, उसका ढक्कन सही है, इसकी लंबाई पूरी हो चुकी है, बस थोड़ा सा खाने में कमजोर, खाई पिएगा तो और तगड़ा हो जाएगा। जहाँ बताइए, इधर कहीं छूट जाएगा, इधर आपके बंधे पे ही छोड़ देंगे, नहीं नहीं नहीं, घर में जाइए तो फल लूंगा। हम आपको बताएं, आपके घर में ये तो नहीं पता था कि कब से है, लेकिन किसी को खतरा नहीं पहुंचा है ना, बस आप ये सोचिए ना कि किसी को भी आपको तकलीफ नहीं देना है इस धरती पे, भगवान आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे, मारना नहीं, ये चाहे देखिए कोई लाख यहाँ वो कर रहा है, बुराई से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये लोगों को पता है कि कलयुग है, यही भोग के जाना, यही सब कुछ सुख दुख सब मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये पैक हो चुका है, बाकी आप लोगों का काम कैसा लगता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है ना कि हम लोगों का काम है संतुष्ट करना आप लोगों को, कि भाई आप लोग हम इसको बचाएं, उसके पीछे आप लोग कम से कम जानकारी आप लोगों को मिले कि कल को कुछ आपके सामने ऐसी घटना घटती हो तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये पैक हो चुका है और इसमें जगह बना देते हैं एयर के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी घर पड़े का प्रेम आशीर्वाद देते हैं, किसी जीव को बचाते हुए, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स, आप सबको बता दूं कि जो यहाँ नरही के बगल में इच्छा चौबे के पूरा में आए हुए हैं हम, और यहाँ से भैया की तरफ से हमारे टीम योद्धा पीएस को 500 रुपए का डोनेशन मिल रहा है, सहयोग राशि मिल रहा है, तो ऐसे ही आप लोग अपना प्रेम आशीर्वाद बनाइए फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग आगे बढ़ के सेवा करते हैं लोगों की।
ठीक है चलो फ्रेंड्स, आप सबको बता दें कि बड़े भैया ही पहले सबसे पहले हमारा सर्च किए, तो इसके पहले शायद मुरली वाले हौसला जी को ये कॉल किए, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई और फिर मुझे कॉल गई। तो ये YouTube से नंबर निकाले हमारा ना, YouTube से ही, चूंकि पहले हम इस गांव में आ चुके हैं फ्रेंड्स, लेकिन देखिए चैनल सब्सक्राइब नहीं है मेरा, और अब ये लोग कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, और ये जरूरत पड़ी तो आज हम उनको याद किए, और अब संतुष्ट हैं आप लोग ना। तो भैया ने कॉल किया था, कम से कम वीडियो को लाइक करिएगा, कम से कम इस गाँव के जो लोग देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको, इस गाँव वालों को, बहुत अच्छे हैं लोग, कम से कम इस बेजुबान की रक्षा कर दिए, बचा दिए इसको। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद जय भारत।